Hi everyone, assalamu alaikum and welcome back to my channel. I hope you all are doing good and great. तो आप लोग जानते हैं कि 2025 आने वाला है, बस कुछ ही टाइम रह गया है, कुछ मंथ्स रह गए हैं और कुछ डेज़ रह गए हैं. तो अगर आप लोगों ने उससे पहले पहले अपनी पर्सनैलिटी को, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, कुछ मज़ेदार किस्म की टिप्स भी शेयर करूँगी. अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें. तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 90 डेज़ ग्लो अप चैलेंज शेयर करूंगी. अगर तो आप लोग चाहते हैं कि 2025 में आपकी स्किन प्यारी, ग्लोइंग और फ्रेश हो, तो आप लोगों ने उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप एक प्रॉपर स्किन केयर को फॉलो कर रहे हैं. और जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपने यूज़ करने हैं वो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. ये ना हो कि आपकी स्किन टाइप कोई और हो और आप लोग जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो आपकी स्किन टाइप से हट के हों. फर्स्ट स्टेप पे आप लोगों ने फेस वॉश करना है और उसके लिए आपने कोई भी अच्छा सा फेस वॉश ले लेना है जो भी आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हो. कभी भी आपने सोप के साथ अपने फेस को वॉश नहीं करना, फेस वॉश के साथ हमेशा अपनी स्किन को वॉश करना है. देन आपने सन ब्लॉक को लाजमी अप्लाई करना है. सन ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप बाहर जा रहे हैं, अगर आप घर में रह रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोगों ने मॉर्निंग में सन ब्लॉक को लाजमी अप्लाई करना है और रात को सोने से पहले आपने अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है. मॉइस्चराइज़र के साथ आपकी स्किन का बैरियर डिस्टर्ब नहीं होता और उसकी वजह से आपको स्किन इश्यूज़ फेस नहीं करने पड़ते. सो मॉइस्चराइज़र भी लाजमी अप्लाई करें. इफ़ यू गाइज़ वॉन्ट टू स्टे फिट एंड यंग, तो आपने जल्दी मॉर्निंग में उठा करना है. इस चीज़ को अपनी हैबिट बना लें, रात को जल्दी सोने की और सुबह जल्दी उठने की. तो इससे ना तो आपको हेल्थ इश्यूज़ होंगे और ना ही आपको कोई और प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा. साथ में आप लोगों ने किसी ना किसी फिज़िकल एक्टिविटी में लाजमी इंगेज रहना है. आप जो भी चाहें आप कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो आप मॉर्निंग वॉक पे जाएं, ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है. आप लोग सुबह जल्दी उठें, ब्रेकफास्ट करने के बाद आप लोग मॉर्निंग वॉक पे जाएं, इससे आप बहुत ज़्यादा फिट रहते हैं. इसके साथ साथ आप लोग जिम वगैरह जा सकते हैं, वर्कआउट करें. और थर्ड ऑप्शन पे हमारे पास आ जाता है कि अगर आप लोग घर पे रहते हुए कोई एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो फिर आप लोग योगा कर सकते हैं, कुछ इस तरह की एक्सरसाइजेज वगैरह कर सकते हैं ताकि आप लोग ज़्यादा देर तक यंग रहें और फिट रहें. अच्छा, अगर आप लोग फिट रहने के साथ साथ हेल्दी भी रहना चाहते हैं तो आपने अपनी डाइट को अच्छा करना है. जितनी आपकी डाइट अच्छी होगी उतना ही आप लोग इंटरनली स्ट्रॉन्ग होंगे और उतने ही आप लोग इंटरनली अच्छे होंगे. तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोग फ्रेश सैलड्स खाएं, डिफरेंट वेजिटेबल्स के सैलड बना के खा सकते हैं. या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप लोग फ्रेश जूसेस वगैरह पी सकते हैं, खुद घर में निकाल के खुद पी सकते हैं. अगर आप लोग बाहर से ले कर पीना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं. आप लोग इसके अलावा फ्रूट्स खा सकते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, जो भी आपको अच्छे लगते हैं आप वो लें, लाजमी लें. दिन में कोई भी एक फ्रूट ले लें. तो कभी भी आपने इन चीज़ों को स्किप नहीं करना है. इसके साथ साथ आप लोगों ने वेजिटेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रूटीन में ऐड करना है. जो वेजिटेबल्स होती हैं इनमें बहुत अच्छी अमाउंट में मिनरल्स होते हैं, विटामिंस होते हैं, जो आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं काम करने के लिए, हर चीज़ के लिए, यंग रहने के लिए, फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए. तो ये बहुत एक अच्छा और हेल्दी ऑप्शन है. आपने जितने भी जो फास्ट फूड्स हैं, जंक फूड वगैरह हैं, आप वो भी ले सकते हैं. कोई भी छोड़ नहीं सकता उन चीज़ों को, मगर आपने उनको बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर देना है. और आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता जो अपनी हैबिट्स हैं ना, वो हेल्दी चीज़ों की तरफ लेके आनी है. तो यही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है. इसके साथ साथ आप लोग नट्स ले सकते हैं, आप लोग हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हैं. ड्राई फ्रूट आपकी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छे हैं. तो आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, जो भी नट्स अच्छे लगते हैं, आप लोग वो लें लाजमी. अच्छा, इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन 2025, सबसे पहले तो आपने अपने गोल्स सेट कर लेने हैं कि क्या आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में और क्या आप बनना चाहते हैं. इन सब चीज़ों को राइट कर लेना है. फिर आप लोगों ने उसके लिए मेहनत करनी है और कंटिन्यूसली मेहनत करनी है, अनलेस अनटिल कि आपको उसका रिवॉर्ड ना मिल जाए. और इंशाल्लाह आप लोग इसके साथ साथ सक्सेसफुल भी हो जाएंगे, जो आप चाहेंगे आपको मिल जाएगा. सो इफ़ यू गाइज़ वॉन्ट हेल्दी एंड शाइनी हेयर्स लाइक दिस इन 2025, तो आपने क्या करना है, 2025 आने से पहले पहले आप लोगों ने 90 डेज़ ग्लो अप चैलेंज को फॉलो करना है. उसमें सबसे पहले आपने अपने हेयर्स को प्रॉपर टाइम देना है और प्रॉपर हेयर केयर फॉलो करनी है. आपकी एक प्रॉपर हेयर केयर रूटीन होनी चाहिए जिसमें जितने भी प्रोडक्ट्स आप लोग यूज़ करें अपने हेयर्स के लिए वो आपके हेयर्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए. प्लस आप लोग कोई भी हेयर से रिलेटेड सप्लीमेंट्स ले सकते हैं. सप्लीमेंट्स से भी आपके हेयर्स बहुत हेल्दी हो जाते हैं. लाइक ये फोलिक एसिड बहुत अच्छी है आपके
हेल्दी हेयर्स के लिए, जिनको हेयर फॉलिंग वगैरह का मसला है तो वो इनको ले सकती हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। प्लस इसके साथ हेयर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। और आप लोगों ने अपने हेयर्स को अच्छा करने के लिए अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है, जैसे कि मैंने आपको इस स्टेप से पहले बताया है। आप लोगों ने अपने डाइट का भी ख्याल रखना है, उसके साथ साथ आपने कुछ चीज़ों को अपनाना है और कुछ चीज़ों को छोड़ना है। इसमें सबसे पहली हैबिट ये है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो प्लास्टिक के कॉम्ब्स यूज़ करते हैं अपने हेयर्स को ब्रश करने के लिए, तो आपने इस हैबिट को बिल्कुल छोड़ देना है। इसको रिप्लेस करना है आप लोगों ने इस तरह के वुडन कॉम्ब्स के साथ, जो इस तरह के वुडन कॉम्ब्स होते हैं ये आपके हेयर्स को तोड़ते नहीं हैं और आपके हेयर्स को टूटने नहीं देते, जिससे हेयर फॉलिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। साथ में आपने इस तरह के सिल्क स्क्रंचीज यूज़ करनी है अपने हेयर्स को टाई करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहते हैं, आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं लाइफ में, उसके लिए आपने ये कुछ चीज़ों को फॉलो करना है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके कॉन्फिडेंट को बढ़ाने में भी और आपके कॉन्फिडेंट को गिराने में भी। जिसमें सबसे पहला जो रोल प्ले करता है ना, बहुत अहम चीज़ है, वो है आपकी ड्रेसिंग। अगर आपकी ड्रेसिंग अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट अप होगा। अगर आपकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं होगी तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। सबसे पहले आपने कभी भी अनप्रेस क्लोथ्स को नहीं पहनना है। जब भी आपने अपने क्लोथ्स को वेयर करना है, हमेशा प्रेस करके वेयर करना है। चाहे आप लोग घर में क्यों ना वेयर कर रहे हो या बाहर अंदर जाते, तो आपने वेयर करना ही करना है प्रेस करके। मगर आपने घर में भी जब भी किसी भी क्लोथ को वेयर करना है तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि वो प्रेस हो। और दूसरी बात ये कि अक्सर लड़कियां क्या करती हैं कि अपने शूज़ को साफ़ नहीं करती हैं, अपने कपड़ों को प्रेस कर लेती हैं, कपड़ों का ख्याल रखती हैं, मगर नीचे से अपना ख्याल रखती ही नहीं है। तो आपने जब भी शूज़ वगैरह वेयर करने हैं, किसी भी किस्म के शूज़ वेयर करने हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप शूज़ को वेयर करने से पहले अच्छी तरह से उनको साफ़ कर लें, फिर वेयर करें। अगर आप मेंटली तौर पे हेल्दी होना चाहते हैं और टॉक्सिक चीज़ों से दूर जाना चाहते हैं, तो आपने देखना है कि सबसे पहले आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, आपको किस चीज़ से सुकून मिलता है। अगर आपको नेचर में जाके सुकून मिलता है तो आप नेचर में जाएँ। इसके अलावा आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जर्नलिंग कर सकते हैं, मीन्स कि जितने भी आपके दिन की इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको हर्ट कर रही होती हैं, कुछ ऐसी आपके लिए टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, तो आप सिंपली कोई भी पेंसिल ले लें और नोटबुक ले लें, उसमें सारा कुछ राइट करें। इससे आपको अच्छा लगेगा, आपके जितने भी इमोशंस हो गए सारे निकल जाएंगे। इस सूरत में आप राइट भी कर लेंगे और आपका दिल भी हल्का हो जाएगा। साथ में आप बुक रीडिंग कर सकते हैं, ये एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है आपके माइंड के लिए। तो आप कोई ना कोई बुक्स को रीड कर सकते हैं। अगर आप चाहें आप लोग इस्लामिक बुक को रीड कर सकते हैं, आप कोई नॉवेल्स वगैरह रीड कर लें, कोई पोइट्री रीड कर लें, कोई भी किस्म की आप लोग बुक्स वगैरह रीड कर सकते हैं। इससे आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करेगा। प्लस आप ये चीज़ें आपके माइंड को हेल्दी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 90 डेज़ ग्लो अप चैलेंज है, अगर आप लोग इन सब चीज़ों को फॉलो कर लेंगे ना, तो 2025 में आपको अपनी पर्सनैलिटी और आपको अपना आप ट्रांसफॉर्म मिलेगा। सो आज से ही स्टार्ट हो जाएं, क्योंकि आपके पास 3 मंथ्स हैं, 90 डेज़ हैं। इसके अंदर आप लोग इन टिप्स को फॉलो करके अपनी पर्सनैलिटी को और अपने आप को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी और साथ में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।